हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टीएलपी जुडिशियल एकेडमी। और फ्रेंड्स, आज मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। अभी कल एक यूट्यूब चैनल के किसी लॉ टीचर के यूट्यूब चैनल को लिंक, उसका जो लिंक था वो शेयर किया गया, और उस पर जो वीडियो जो दिखाई जा रही है वो वीडियो की डेट है 27 अप्रैल 2020। उसमें एक टॉपिक डिस्कस किया गया जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात हो रही थी, और उसमें मेन दो क्वेश्चन निकाले गए कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है पनिशमेंट दे सकते हैं, क्या ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो देखिए, पनिशमेंट वाली बात को तो मैं यहां पर नहीं डिस्कस कर रहा हूं, फिलहाल एक पार्ट को सिर्फ यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या नहीं कर सकते हैं, इस पर एक बात आती है। इसका आंसर खुद उस वीडियो के अंदर ही दिया हुआ था, और उसमें आंसर में जो सेक्शन का जिक्र किया गया था वो था 167 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2A। तो अब सवाल ये निकलता है कि क्या 167 के 2 और 167 के सेक्शन सबसेक्शन 2A के अंदर क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन के डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में सेक्शन 2 के अंदर ही 2H में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत साफ साफ लिखा गया है अदर देन ए मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज डन बाय ए पुलिस ऑफिसर और अदर एनी अदर पर्सन और एनी पर्सन। तो जैसा क्लेम किया गया है उस वीडियो के अंदर, उसके बेस पर मैं आपके लिए सिर्फ यहां पर यह कहना चाह रहा हूं, उसमें यह क्लेम किया गया है कि 167 सबसेक्शन 2 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और मोर ओवर एक बात और कही गई कि कितने दिन की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ये भी बात आती है। उसका आंसर भी दिया गया है उसी वीडियो के अंदर कि 7 दिनों के लिए कर सकता है एज पर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2A। तो फ्रेंड्स, गलत है सही है, यू ऑल आर प्रूडेंट पर्सन, आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, बस आपके सामने 167 का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ है कुछ सही है तो ही आप इसको समझें, देखें, पूरा वीडियो देखें, समझें, उसके बाद कमेंट जरूर करें, और लास्टली ये कहूंगा कि शेयर करें उन लोगों के साथ जो कॉन्सेप्ट में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यानी वैसे स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है उनके साथ आप इसको बिल्कुल शेयर करें, ताकि वो भी थोड़ा ध्यान से बेयर एक्ट खोल के तब ही स्टडी करें। और जब कभी भी कोई भी YouTube चैनल आप देखें फ्रेंड्स, प्लीज कीप योर बेयर एक्ट विथ यू, बिकॉज बेयर एक्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो प्लीज कीप बेयर एक्ट विथ यू, ठीक है। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप 167 देखें, समझें, समझने के बाद कमेंट करें, और सबसे लास्ट में शेयर करने के लिए कहूंगा, वो भी अगर आपको सही लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। सो अगेन, अभी स्टार्टिंग में ही आप लोगों को थैंक्स फॉर वॉचिंग, please watch complete video, thank you all। subsection 2 में आओ, क्या कहता है, अब ये 1 के साथ continuation में ही पढ़ेंगे, क्या लिखा है, the magistrate to whom an accused person is forwarded, the magistrate to whom an accused person is forwarded, इसका मतलब friends ये हो गया कि वो magistrate जिसके सामने अक्यूज्ड पर्सन को फॉरवर्ड किया गया, यानी अक्यूज्ड पर्सन को फॉरवर्ड किया गया, तो वो मजिस्ट्रेट कौन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज पर सेक्शन 167 सबसेक्शन 1। यहाँ के लिखा भी क्या है, अंडर दिस सेक्शन, क्या लिखा है, मे कर सकता है। तो ये मजिस्ट्रेट को मिलाकर पढ़ना, यानी जिस मजिस्ट्रेट के सामने जिस मजिस्ट्रेट को अक्यूज्ड फॉरवर्ड किया गया है वो मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है, क्या कर सकता है, तो इसको ऐसे लिंक करो, मजिस्ट्रेट में वेदर ही हैज और हैज नॉट ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। तो जिस मजिस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जिसके सामने अक्यूज्ड को फॉरवर्ड किया जा रहा है, उस मजिस्ट्रेट के लिए कहा जाता है कि उस मजिस्ट्रेट को ज्यूरिस्डिक्शन है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। सो वेदर ही हैज और हैज नॉट ज्यूरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस,
फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथोराइज। अब देखो यहां पर मे को लेके चलना, मे को छोड़ना मत। सो मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज इन सच कस्टडी। सो जिस मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को लाया गया है या फॉरवर्ड किया गया है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर सकता है डिटेंशन के लिए, डिटेंशन के लिए, डिटेंशन कैद करने के। सच कस्टडी, कस्टडी सच कस्टडी लिखा है, कस्टडी भी यहां डिफाइंड नहीं है, सच कस्टडी। आपको फोकस करना है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पर, वही आपका मुद्दा है। सो ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी। कौन सी कस्टडी, ये नहीं है, ये उस मजिस्ट्रेट के बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कस्टडी में भेजने चाहेगा अक्यूज्ड पर्सन को। नॉर्मली कस्टडी इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है पुलिस कस्टडी, दूसरा होता है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल, यानी कि जो कारागार होता है, सेंट्रल जेल, स्टेट जेल वो, और पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस के पास। तो ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। लेकिन कितने दिन के लिए, यहां देखो फॉर ए टर्म नॉट लिखा है, बारीकी से देखना, दो मिनट इन्हें यहां लगा के स्क्रीन और कुछ काम करने लग जा, ज्यादा मेरे को मत दो भी इसको सीखने के लिए, 5 से 7 मिनट दो मेरे को। फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल, यानी पूरा मिला जुला करके 15 दिन से ज्यादा नहीं भेजा जा सकता है कस्टडी के लिए। यहां पर क्या लिखा गया है, इन सच कस्टडी एज मजिस्ट्रेट थिंग फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल एंड इफ ही हैज नो ज्यूरिस्डिक्शन। अगर मजिस्ट्रेट को ज्यूरिस्डिक्शन है ही नहीं उस केस का ट्रायल वगैरह करने का, टू ट्राई द केस और टू कमिट इट, ना तो कमिट करने का पावर है ज्यूरिस्डिक्शन, ना तो ट्रायल करने का पावर है, कुछ भी नहीं उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है, एंड कंसीडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, और उस मजिस्ट्रेट को लगता है इसको डिटेन करके रखना अक्यूज्ड को बेकार है, अननेसेसरी है, अनावश्यक है, तो इस कंडीशन में ही का मतलब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है में आदेश दे सकता है द अक्यूज्ड टू बी फॉरवर्डेड टू ए मजिस्ट्रेट हैविंग सच ज्यूरिस्डिक्शन। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था फिर भी उसके सामने प्रोड्यूस किया गया और वो टोटल मिला जुला करके 15 दिनों तक के लिए कस्टडी में भेज सकता है। और कस्टडी दो तरह की होती है, एक पुलिस की कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी, जो कस्टडी उसको सही लगे भेज सकता है। अगर मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, ना तो केस का ट्रायल चलाने का, ना तो केस कमिट करने का, या और एक साथ और चीज लिखी गई, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि डिटेंशन रखना, डिटेन करके रखना अननेसेसरी है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उस अक्यूज्ड को ज्यूरिस्डिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो ज्यूरिस्डिक्शन भी सीआरपीसी में बहुत भयंकर रोल अदा करता है, बताऊंगा कि ये सब कर सकता है, ये सब मजिस्ट्रेट कर सकता है। और ये कौन सा मजिस्ट्रेट कर रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो नहीं कर रहा है ना। चल के देखते रहना, समझना आंख खोल करके। नाउ अब आ जाओ आगे, ये सब किया जा सकता है और कर सकता है, लेकिन कहता है बसरते कि ये मजिस्ट्रेट करेगा, लेकिन कब करेगा, ये रहा बसरते की, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट मे ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन। देखो ऊपर टोटल 15 दिन के लिए भेज सकता है कस्टडी में, ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है तो भी रख सकता है, या मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर सकता है ज्यूरिस्डिक्शन वाले मजिस्ट्रेट, ये सब करेगा, लेकिन कब करेगा। कहता है मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज, तो इसको जब आप पढ़ोगे बसरते को, तो शुरुआत वाली लाइन से मिला के पढ़ना तो ज्यादा सही से समझोगे, जल्दी समझोगे। सो बसरते कि द मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज ऐसा कर सकता है द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। आ गया, अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस बियॉन्ड द फिफ्थ पीरियड ऑफ 15 डेज। क्या बोल रहे, अदरवाइज देन का मतलब क्या होता है हिंदी में, वॉट इज द मीनिंग ऑफ
अदरवाइज देन, आप लोग सबके पास तो है, समझ में आता होगा अदरवाइज देन का मतलब क्या होता है? अन्यथा सर, अदरवाइज अन्यथा। अदरवाइज देन अन्यथा, अन्यथा का मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। सो अदरवाइज देन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, यानी पुलिस की कस्टडी से हट करके बियॉन्ड दी पीरियड ऑफ 15 डेज तक दे सकता है, बियॉन्ड दी पीरियड ऑफ 15 डेज दे सकता है यदि ही इज सेटिस्फाइड दैट एडिक्वेट ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो, बट नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी अंडर दिस पैराग्राफ फॉर ए टोटल ऑफ 90 डेज और 60 डेज। मतलब दो बातें फिर क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। पहली बात ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है सब सेक्शन 2 के तहत कस्टडी में भेजने का, उस अक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में भेजेगा जिस अक्यूज्ड पर्सन को उसके सामने लाया गया है, या तो उसको पुलिस की कस्टडी में भेज सकता है या तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। ये दो बातें हो गई। उसके बाद एक और बात आ गई कि 15 दिन से अधिक के लिए भी भेज सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण होना चाहिए। लेकिन जैसे 15 दिन से अधिक भेजता है ना, तो जुडिशियल कस्टडी में 15 दिन से अधिक के लिए भेज सकता है, पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। सो अधिकतम भेज सकता है 60 दिन तक भेज सकता है, 90 दिन तक भेज सकता है। सो 90 डेज और 60 डेज, यानी कि 90 डेज तक के लिए किसी अक्यूज्ड को जेल की कस्टडी में भेजा जा सकता है। लेकिन कब? कहते 90 डेज का चक्कर तब लगेगा वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, जहां पर अपराध का दंड मृत्यु दंड है, वैसा अपराध किया है अक्यूज्ड, जहां पर अपराध का दंड आजीवन कारावास है वैसा अपराध किया है अक्यूज्ड, या वैसा अपराध जहां पर अपराध का दंड 10 साल से कम नहीं है, 10 साल से ज्यादा हो सकता है लेकिन 10 साल से कम का अपराध नहीं, तो जहां पर 10 साल से अधिक का ऑफेंस होगा, जहां पर आजीवन कारावास का दंड होगा, जहां पर फांसी की सजा का प्रावधान होगा, वैसे अक्यूज्ड को अगर मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसको 90 दिनों के लिए जेल में भेज सकता है, जुडिशियल कस्टडी में डाल सकता है 90 डेज के लिए। सर रिमांड कस्टडी, रुक जी, यहाँ पर एक शब्द ध्यान देना, नो लिखा हुआ है, यानी 90 दिन से अधिक नहीं देगा। देखो यहां मैं स्टार बना दे रहा हूँ, कहोगे तो मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग एक छोटा सा नो नहीं दिखने से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये रहा, यहाँ देखो नो लिखा हुआ है। सो नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज, किसी भी मजिस्ट्रेट को यह औकात नहीं है कि वो 90 दिन से अधिक के लिए भेज सकता, किसी भी मजिस्ट्रेट को वो औकात नहीं है, पावर नहीं है जो 60 दिन से ऊपर के लिए भेज सकता है। तो 60 दिन से ऊपर के लिए नहीं भेजेगा जहां पर मामला किसी दूसरे ऑफेंस के लिए, दूसरा ऑफेंस मतलब वैसे अपराध जिसका दंड 10 साल से कम की सजा है, यानी जिस अपराध की सजा 10 साल से कम की होगी वैसे अपराधों के लिए 60 दिन तक जेल में रखा जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड को फॉरवर्ड किया जाता है पुलिस की तरफ से, और वो भी पुलिस तब करेगी फॉरवर्ड जब उसका इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर नहीं पूरा होगा, तब करेगी, और किसके सामने करेगी, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही करेगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करेगी। रूट पकड़ के रखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अब यहां तक तो ठीक है, अब आ जाओ उसके बाद क्या होगा भाई, अगर 90 दिन क्रॉस कर गया, 60 दिन क्रॉस कर गया तो क्या होगा? तो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि 60 दिन भी खत्म हो गया, 90 दिन भी खत्म हो गया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तो वैसे केस में देखो यहां पर लिखा गया है द अक्यूज्ड पर्सन, क्या लिखा है, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। वैसे केस में अक्यूज्ड पर्सन को बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी नहीं रिया कर जाएगा, तब किया जाएगा इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश वेल।
इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल, वो बेल फर्निश करने के लिए तैयार होगा तभी उसको छोड़ा जाएगा। ये कहीं नहीं कहता सीआरपीसी कि 90 दिन से ऊपर हो गया तो छोड़ दो, 60 दिन से ऊपर हो गया तो छोड़ दो, ऐसा नहीं कहता छोड़ने की। इस चीज का ध्यान रखना। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके यहां पर शेयर करता हूं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड्स कहती है सरकार किसी को, तो किसी नक्सलवादी को पकड़ लिया तो ऐसा केस प्रैक्टिकली देखा गया था, मैं बताता हूं उस केस की कहानी छोटे में बिल्कुल शॉर्ट में, कि नक्सलाइट को पकड़ लिया गया, उसका 60 दिन 90 दिन से ऊपर पूरा हो गया मामला, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का जो फाइनल होता है वो नहीं सबमिट किया, 90 डेज से ऊपर हो गया तो भी उसको बेल पर नहीं दे छोड़ा गया, क्योंकि ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू फर्निश बेल, क्योंकि उसके दिमाग में जेहन में एक बात थी कि अगर वो बेल पर बाहर आएगा तो शायद उसके साथ ही उसको मार डालेंगे या उसका अपोजिट पार्टी वाला उसको मार देगा। सो ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू फर्निश बेल, तो उस कंडीशन में वो जेल में ही रहेगा। ये लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया है कि 90 दिन के अंदर पुलिस ने फाइनल चार्जशीट सबमिट नहीं करी छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है, छोड़ने का प्रोविजन है कि 90 दिन के अंदर नहीं होता है तो छोड़ दो, लेकिन सामने जो छूटने वाला बंदा है वो भी तो जाने के लिए जेल से तैयार रहे, तो कहता ना मैं तो यही दामाद बन के खाऊंगा, तब क्या हो। इसीलिए कहा है यहां पर शब्द बहुत छोटा सा है, इफ ही इज, देखो एक छोटा सा शब्द इफ पूरी कहानी खराब कर सकता है। एंड एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी सो रिलीज्ड अंडर चैप्टर, अब ये तो भाई बेल वाला है उसको छोड़। तो ये मैं आपको यहां तक जो बताना चाह रहा था वो मुद्दे की बात क्या है, ये सब कारनामा, ये सब काम, ये सब अथॉरिटी, सब के सब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा है 167(2) के अंदर। तो ये मत सोचना कि अभी तक कहीं भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल आया है, आपको दिखा के कर रहा हूं मैं। चलिए एक और देख लेते हैं सर। हेलो, अब क्या है बोलो भाई। नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द अक्यूज्ड रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। इसका मतलब कितनों को समझ में आता है? इससे सवाल अभी कल परसों किसी ने भेजा था, डीजेएस में ये क्वेश्चन पूछा गया और ऐसे भी नॉर्मली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी याद रखना, कस्टडी दो तरह की होती है, एक पुलिस की कस्टडी होती है, एक जुडिशियल कस्टडी होती है। तो जब कभी भी अक्यूज, आप जज अभी बन के सोचना, गलती से भी अपने को वकील भी मत समझना, जज सोचना। तो जब कभी भी पुलिस आपके सामने अक्यूज को लेकर के आएगा तो याद रखिएगा, अक्यूज्ड का मतलब वो अक्यूज्ड जो पुलिस की कस्टडी में है। आपने अक्यूज्ड को कहां छोड़ दिया? पुलिस की कस्टडी में छोड़ दिया। तो जब कभी भी पुलिस की कस्टडी में अक्यूज्ड को छोड़ देते हैं आप, या ऑर्डर देते हैं कि पुलिस की कस्टडी में जाओ, जुडिशियल कस्टडी में नहीं जाओ, तो उस कंडीशन में ये क्या कहता है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार और हर बार जब तक कि अक्यूज्ड पुलिस की कस्टडी में होगा, मजिस्ट्रेट के सामने इन पर्सन लाना पड़ेगा, वीडियो फुटेज और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां देखिए पहले ही शब्द क्या लिखा है, नो। इस चीज पे फोकस कर लेना, नो लिखा हुआ है। सो नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज, किसी भी मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी नहीं दी गई है डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस अंडर दिस सेक्शन unless the accused is produced before him, unless the accused is produced before him, कैसे? In person, यहां देखो छोटा सा शब्द है, in person, for the first time, पहली बार, and subsequently, बाद में, every time, हर एक बार, till, कब तक? The accused remains in custody of the police, जब तक कि पुलिस की कस्टडी में accused है तब तक, but लिखा है, The magistrate may extend further detention in judicial custody. यहां देखो साफ साफ लिखा है in judicial custody or on production of the accused either in person or through the medium of electronic video linkage. तो सवाल अगर आपसे पूछेगा कि पुलिस की कस्टडी से अगर accused को produce किया जाएगा
तो इन पर्सन होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, ये वीडियो लिंकेज से होगा, क्या आंसर होगा? इन पर्सन। पर्सन जब तक वो पुलिस की कस्टडी में रहेगा तब तक। ये भी करने का पावर किसको दिया गया है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, नॉट अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नाउ यहां पर ध्यान देना, सेकंड क्लास में स्टेट के बारे में कहा गया है। यहां देखो छोटा सा शब्द है नो, नो मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली इंपावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की औकात नहीं है। मैं हार्ड शब्द इस्तेमाल करता हूं, आपको कहीं ना कहीं चुभे और याद रहे, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की औकात नहीं है कि वो पुलिस की कस्टडी में भेज सकता है अक्यूज्ड को। तब तक नहीं भेज सकता है जब तक कि हाई कोर्ट ने उसको स्पेशल पावर देके इंपावर नहीं किया। यही बात यहां लिखी गई, नॉट स्पेशली इंपावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। कौन करेगा? हाई कोर्ट। शैल लगाया है, ऑथोराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। और यहां लिखो, लिखा है नो, तो कोई भी मजिस्ट्रेट की, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की तो औकात ही नहीं है कि वो पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। याद रखना इस चीज को। यहां भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। यानी एक चीज और ध्यान देना, जब आप पढ़ रहे हो 167(1), तो यहां पर क्या बोला था शुरू में, ये क्या कहता है? Whether he has or has not jurisdiction to try the case। तो यहां पर क्या कहा गया? Jurisdiction हो ना हो, तो वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अगर होगा तो वो ऐसे नहीं करेगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कभी भी पुलिस की कस्टडी में नहीं भेज सकता है। खैर आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन वन है, टू है, अभी इसको मैं नहीं जा रहा हूं लेने के लिए। नाउ यहां देखो एक छोटा सा पॉइंट है, केबल है ये यहां पर फाइव में, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ए वुमन अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, अगर महिला है और उसकी उम्र 18 साल से कम है, बिलो, अंडर लिखा है, बिलो नहीं लिखा है इसलिए अंडर ही लिखना। डीजेएस में जो कभी प्रॉब्लम आते हैं ना, वहां ये छोटे छोटे शब्दों का मतलब बदल देते हैं, वहां अंडर भी लिख देंगे, बिलो भी ऑप्शन में दे देंगे, तो आपने अंडर पे टिक लगाना है, बिलो पे नहीं लगाना है। The detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution। So वो लड़कियां, वो वुमन जो 18 साल से कम उम्र की होती है, उनको रिमांड होम भेज दिया जाता है, नारी निकेतन जो सुनती है। तो अभी तक अपना जो टू द पॉइंट वाली बात थी, रूट और फ्रूट वाली बात थी, तो रूट था अपना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो आपने देख लिया होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहीं भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। इन्वेस्टिगेशन की बात यहां पर कहीं भी ऐसी नहीं लिख के आ रही है, ना तो सब सेक्शन 2 के अंदर, ना तो सब सेक्शन 2A के अंदर। तो प्लीज आप सबसे बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी केयरफुल, इसको समझना। सेक्शन 2A किसका है? ये 167 का सेक्शन 2A है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट ये करना है कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 20 के अंदर दिया गया है, बेसिकली 20 से 23 तक के अंदर है, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर होता है क्या? पहली बात। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है क्या 7 दिनों के लिए, जैसा कहा जाता है? तो देखो ध्यान से सुन लेना इसको भी, ये लास्ट टॉपिक है इसका, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इस पॉइंट का, जो कि आपको समझना है ध्यान से। देखो क्या कहा है, ये 2A है, ये अमेंडेड पार्ट है, मैं पहले अमेंडमेंट ही बता देता हूं। देखो ये 78 से अमेंडेड है। कहा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, 167 के सबसेक्शन 1 के अंदर, 167 के सबसेक्शन 2 के अंदर कोई भी बात कही गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, कहां इसको डिफाइन किया गया है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, टू
ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कहाँ के फाइन है? तो लिख लेना द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, दोनों दो लोग होते हैं, ध्यान से समझना। जब हमने कहा कि द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, इसका मतलब हम लोगों ने एसएचओ को रेफर कर दिया, मैटर एसएचओ की बात कर रहे हैं। और जो हम कहते हैं द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब एसएचओ का जूनियर, एसएचओ से छोटा, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, और एसएचओ नॉर्मली होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। सो इफ ही इज नॉट बिलो द, यहां देखो खुद लिखिए दिया आगे, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो नीचे नहीं है, द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे, अब ध्यान से समझना अपना पॉइंट, वेयर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज, क्या लिखा है, नॉट अवेलेबल, जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसको ट्रांसमिट किया जाएगा, किसको किसको ट्रांसमिट किया जाएगा, अक्यूज्ड को, कब कर ट्रांसमिट, 24 घंटे वाला है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, नहीं रख सकता है थाने के अंदर बिठा के। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ। अब आगे देखो, ध्यान से सुनना जरा, ऑन होम है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लेकिन ऑन होम द पावर्स ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट have been conferred, यानी है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन उसको आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया है। अगर वो मेट्रो सिटीज में है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया है, यानी जज वाली पावर दे दी है। तो जब किसी पर्सन को जज वाली पावर दे दी है और वो है पेशे से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया, तो वो कौन सा परफॉर्मेंस करेगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम करेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यहाँ काम करेगा, जुडिशियल के यहाँ पे सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब पावर दे देंगे तो बदल जाएगा ना, एक आम आदमी जो कल तक चाय बेचता था सड़कों पर और ट्रेन में, उसको पावर मिला तो प्रधानमंत्री बन गए भाई अपने देश के। तो जब पावर मिला तो फिर आप एग्जीक्यूटिव हैं कि जुडिशियल है, यू कैन डिसाइड नाउ फ्रॉम हियर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नाउ। अब आगे की बात सुनो ध्यान से, ए कॉपी ऑफ द डायरी इन इन सॉरी ए कॉपी ऑफ द एंट्री इन द डायरी हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम, छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड द अक्यूज्ड, ये जो नोटिंग करते हैं ना अक्यूज्ड को ले जाते वक्त, एफआईआर लेके जाएंगे, कौन से अपराध में पकड़ा, कहां से पकड़ा, इस ऑफिस से पकड़ा, क्या सीज की नहीं की, वो सब जो होता है लिस्ट, उसी को बोल रहे हैं। सो फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड देयर अपॉन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ध्यान से सुनो क्या लिखा है, मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जब अक्यूज्ड को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है, तब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑथोराइज करेगा, देखो ऑथोराइज क्या करेगा, द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन सच कस्टडी, फिर आया सच कस्टडी, सच कस्टडी का मतलब या तो पुलिस की कस्टडी या तो जुडिशियल कस्टडी, यानी जेल भेजे या तो पुलिस के पास भेजे, ये उसकी मर्जी हो जाए, एज ही मे थिंक फिट फ्रॉम फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 days इन द एग्रीगेट। यानी अगर आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर मिलता है और आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी फंक्शन करते हैं, तो भी आप 7 दिन से अधिक टोटल किसी भी कस्टडी में नहीं भेज सकते, 7 दिन से अधिक, 7 days से अधिक नहीं जा भेज सकते हैं, चाहे बोल कौन सी कस्टडी हो, चाहे वो पुलिस की कस्टडी हो चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो। और आगे कहता है एंड और कॉमा ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथोराइज्ड, यानी जो 7 दिन का समय अवधि जो था
उसके खत्म होने के बाद एक्सपायरी होने के बाद क्या होगा? कहता है 7 दिन का एक्सपायरी होने के बाद कहता है द अक्यूज्ड पर्सन शैल लगा दिया शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल एक्सेप्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल तो रिलीज नहीं किया जाएगा कि किया जाएगा रिलीज किया जाए शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल एक्सेप्ट वेयर एन ऑर्डर फॉर फर्दर डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन मेड बाय ए मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू मेक सच ऑर्डर। कहता है कि 7 दिन के बाद उसको रिलीज किया जाएगा बेल पर, किया जाएगा तो किया जाएगा, लेकिन वहां पर नहीं किया जाएगा जहां पर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो जाए। अब ये कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं, क्योंकि कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट कौन होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। एंड वेयर एन ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड, यानी कि अब 7 दिन से अधिक के लिए जेल में रखना है या 7 दिन से अधिक के लिए पुलिस की कस्टडी में रखना है तब की बात होती है। यानी जुडिशियल कस्टडी में मोर देन 7 डेज रखो या पुलिस की कस्टडी में मोर देन 7 डेज रखने की बात हो रही है। नाउ उस समय की बात हो रही है, तो कहता है द पीरियड ड्यूरिंग विच द अक्यूज्ड वाज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर्स बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर 7 दिन से अधिक के लिए उस अक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में रखा जाएगा तो जो बेचारे ने 7 दिन गवाया है, 7 दिन जो अपनी कस्टडी में दी है, वो 7 दिन मैनेज किया जाएगा, उसको भी काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड। यहां देखो साफ साफ लिखा है, क्योंकि ऊपर क्या बोला हम लोगों ने सेक्शन सब सेक्शन 2A के अंदर कि मैक्सिमम कितने दिन के लिए दे सकते हैं उसको पुलिस की कस्टडी में? 7 डेज 15 दिन मैक्सिमम 15 और 60 दिन और 90 दिन। तो जब 60 दिन और 90 दिन वाला, मान लो कि 90 दिन का चक्कर चला, 90 दिन वाला ऑफेंस कर दिया अक्यूज्ड, और अगर मान लो कि उस समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं था तो कहां लेके जाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अपनी बुद्धि विवेक से कहा कि 7 दिन के लिए इसको भेज दो जुडिशियल कस्टडी में। तो जो 7 दिन जुडिशियल कस्टडी में इसने बिता दिया वो 7 दिन काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर, काउंट। वही बात यहाँ पर कही जा रही है, वही बात यहाँ कही जा रही है कि जो आप है ना काउंट करना, अगर 60 दिन के लिए भेजते हो या 90 दिन के लिए भेजते हो, वहां 90 डेज माइनस 7 डेज कितना बच गया आपके हाथ में? 90 में से 7 चला गया, कितना? 83 डेज तक आपको रख सकता है। अगर 60 दिन है तो 60 दिन में से 7 दिन माइनस कर दो, 53 डेज 53 दिन। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। सो स्पेसिफाइड इन सो एंड सो। तो ये जो पूरा पार्ट है आपको यहाँ भी आपको मैंने बताया, इसमें इन्वेस्टिगेशन तो कहीं नहीं दिखता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। कहीं लिख रहा है आपको कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करता है? नो सर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर मिल जाएगा तो वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह ही वर्क करेगा। ये हम लोग नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आपको रोल दिखा, सेक्शन 20 से यहाँ आपको कोरिलेट करके बता दी, ठीक है। तो क्या रोल है, कितना रोल है वो देख लेना। आगे चलो यहाँ पर और, प्रोवाइडेड दैट एक्सपायरी ऑफ द पीरियड एफोरसेड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल, यहाँ पर देखो शैल लिखा है, provided that before the expiry of the period aforesaid, कौन सा period aforesaid बताया है? कौन सा period? 7 days साथ खत्म होने के बाद, expire होने के बाद, 7 days वो सात दिन, so वो 7 दिन के खत्म होने के बाद, expire होने के बाद, executive magistrate के लिए compulsory है, shall लगाया है, तो ये देखो duty दी है, duty, आप पूछते हो ना सर duty, ये देखो ड्यूटी इंपोज करी है सीआरपीसी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसको तुरंत कहां भेज देगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस टुगेदर विथ ए कॉपी
of the entries in the diary relating to the case which was transmitted to him by the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation as the case may be. यानी पुलिस वाले ने जितना जैसे जो कुछ भी दिया था एबीसीडी एक्सवाईजेड, यानी इसके पास पावर है कुछ करने के लिए एक्सेप्ट 7 दिन के लिए अलावा अभी तक? नो सर. आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखना. अ मैजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर सो डूइंग. ये मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट है? एग्जीक्यूटिव है कि जुडिशियल है? जुडिशियल सर. एग्जीक्यूटिव है जुडिशियल कि जुडिशियल है? सर है तो वो एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसे पावर प्रदान की गई है जुडिशियल की. सो वो जुडिशियल ही है, कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है. ये देखिए सब सेक्शन 3 है, ये 167 का सबसे. तो अभी तक अपना जो टू द पॉइंट वाली बात थी, रूट और फ्रूट वाली बात थी, तो रूट था अपना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. तो आपने देख लिया होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहीं भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है. इन्वेस्टिगेशन की बात यहां पर कहीं भी ऐसी नहीं लिख के आ रही है, ना तो सब सेक्शन 2 के अंदर, ना तो सब सेक्शन 2A के अंदर. तो प्लीज आप सबसे बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी केयरफुल